सात नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल बेट्स क्लब में क्या आपका पशु ब्याने के बाद खास करके यानी ग्ञाबिन पशु नहीं पशु ब्याह गया उसके बाद प्रोलेप्स दिखा रहा है प्रोलेप्स ऑफ वेजाइन आ रहा है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रास जैसी आपका पशु में यह समस्या आ रही है तो इसका आज मैं गारंटी वाला समाधान लेकर आया हूँ केवल दो एम दवा एक बार इसको लगाना है और दो एम दवा एक दवा है जो दो एम आप दवा लगाएंगे उस दवा लगाते इसका जो यूट्रस है इसकी जो बच्चेदानी वो सिकुड़ के छोटी सी हो जाएगी और वह बाहर निकालना पूरी तरीके से फिर बंद हो जाएगी एकदम से यूनिक फार्मूला है साथियों गजब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए सबसे पहले आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना तो साथियों आइए वीडियो शुरू करते हैं तो साथियों समस्या बहुत सारे एनिमल्स में अभी खासकर देखने को मिल रही है कि पशु बिहार गया है और ब्याने के बाद उसकी या तो पूरी बच्चेदानी बाहर आ गई या बच्चेदानी पलट कर बाहर आ गई या केवल यूट्रस आ रहा है ऐसी समस्या यदि हो रही है मैं प्रेग्नेंट एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन पशु की बात कर रहा हूँ जो पशु ज्ञाबिन थे और उसके बाद वो ब्याह गए यानी जिन पशु ने बच्चा दे दिया है जिन जो पशु कालब हो गए यानी जिन पशु ने बछड़े को जन्म दे दिया उसके बाद यदि आपकी गाय भैंस फूल पाछा प्रोलेप्स प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस प्रोलेप्स ऑफ बेजाना यह दिखा रही है तो इसका एक सिंपल इलाज बताऊंगा आपको उसमें आपको एक चीज़ एक एड मेन एड करना और एक और यूनिक तरीका बताऊंगा यदि ये दो आप काम कर लेंगे तो आप इन पशुओं को जो प्रोलेप्स आ रहा है इससे पूरी तरह से जड़ से, से खत्म कर सकते हैं और आपका पशु फिर कभी भी फूल पाचा यानी प्रोलेप्स बिल्कुल नहीं दिखाएगा वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो आप लाइक बहुत कम करते वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो साथियों जहां पर भी आप मान लीजिए केस देखने गए या कोई पशु मालिक यदि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी यह नुस्खा देख देखें डॉक्टर के साथ ये बात करें आप उनसे वार्तालाप करें उनको ये वीडियो दिखाइए कि डॉक्टर साहब हमारे देखिए हमने ये वीडियो देखी इसमें कुछ डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया आप भी ये हमारे एनिमल्स को ट्रीट करिए आप पशु मालिक भी डॉक्टर को यह वीडियो दिखा सकते हैं और यदि दे डॉक्टर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं आपको तो ये काम करना ही है जहां पर भी आप केस देखने गए आपने देख लिया पशु ब्याह गया है कोई दिक्कत नहीं अब उसके बाद या तो उसकी बच्चेदानी धानी उल्टी होके आ रही है यानी जिसपे जिसको हम बोलते हैं प्रोलेप्स वेजाइना जिसमें क्या है कि पूरी बच्चे बाहर आ जाती है बच्चे के ऊपर गठाने गठाने हमें दिखाई देती है और ब्याने के बाद एक ये आती है और वह भी आता है केवल लूटरस यानी केवल जब भैंस बैठती तब हमें दिखाई देता है यानी पशु ब्याह गया लेकिन फिर भी दिखा रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है साथियों आप जहां पर भी केसेस देखे वहां पर यदि आपको इपिडुर इंजेक्शन लगाना आता है तो वह जरूर लगा यानी निर्लोकेन जिसको हम बोलते हैं लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लोकल एनेस्थेसिया जिसको हम बोलते हैं यह दो एम एल इंजेक्शन आप पशु की पूंछ में जरूर लगाए आपको नहीं लगाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं यदि लगाना आपको आता है तो आप जरूर लगाए इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फील्ड में और यदि नहीं लगाना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीजें बताऊंगा उनसे भी आप रोक सकते हैं अब आप जहां पर मान लीजिए देखने गए आपको ऐसा केस मिला है वहां पर आपको क्या करना है नॉर्मली पशु को एक से दो ड्रिप लगानी ड्रिप में आप डेस्टोज लगा दीजिए वह भी बताऊंगा रुकिए आप डेक्सटॉल लगा दीजिए एक सौ दो क्योंकि हमें पूरा इलाज करना है ऐसा नहीं कि एक दिन इलाज करें दूसरे दिन फिर निकल जाए ऐसा हमें नहीं करना है हमें ऐसा काम करना है कि पशु दोबारा से प्रोलेप्स न दिखाए यानी दोबारा से उसके प्रोलेप्स नहीं निकले ये जो डेक्सटॉल देख रहे हैं या आप उसको एक लीटर तुरंत आई वी दे दें जहाँ पर आपको मिले इसके साथ आप उसको क्या करें पाँच सौ एम एल सी बी जी आई वी दे दें पशु ब्याया और ब्याने के बाद आप उसको तुरंत कैल्शियम पाँच सौ एम एल तक आई वी दे सकते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक तो प्रोलेप्स भी निकल रहा है और एक ब्याने के बाद पशु का वैसे ही कैल्शियम टूट जाता है तो वहाँ पर हमें पांच सौ पशु को सी यह जो बोतल देख रहे हैं यह पशु मालिक अपने पशु को जरूर लगवाए यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की समस्या आ रही है फूल पाचाई यदि आपका एनिमल्स दिखा रहा है तो यह जो बोतल आपको दिखाई दे रही है यह पाँच सौ आप अपने पशु को चढ़वाइए एक बार जरूर चढ़वाइए यदि प्रोलेप्स की समस्या आ रही है सोचियो आपको एक बार लगानी एनिमल्स को इसके अलावा आप यहाँ पर क्या करें पांच एमएल आप सिकवे लगाएं यह जो इंजेक्शन दिखाई दे रहा है पशु मालिक देखिए पशु मालिक खुद को नहीं लगाना है ऐसा नहीं कि यह वीडियो देख रहे है आप घर खर पर खरीद कर लाए और आप खुद लगाए ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप ये वीडियो देखिए आपके वहाँ पर जो डॉक्टर है यदि वो मेरी ये वीडियो नहीं देखते हैं, तो मेरी ये वीडियो आप उनको दिखाइए कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन बताइए आप लगा सकते हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये वीडियो आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं पशु मालिक बस इतना काम कर सकते हैं इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाकी का काम डॉक्टर करेंगे यह लगवाना आपको यह लगवाने के अलावा आपको क्या करना है इसमें सीबी लगा दी सिकविल लगा दिया पाँच एम इसमें हम एक डी इंजेक्शन भी लगाएंगे जो एंटीबायोटिक रहेगा वह दो एम दवा भी कभी कमाल बताऊंगा आपको मैं यदि आपके पशु का वजन पाँच से छः क्विंटल है तो आप उसको डी सी आर पाँच ग्राम इंट्रामस्कुलर लगाए यह यदि तीन दिन तक लगाएंगे इंट्रामस्कुलर तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपका पशु जोर लगा रहा है बार बार जोर मार रहा है बार बार जोर मार के बाहर फेंक रहा है तो आपको एक चीज़ और करनी और यह सबसे मेन इंजेक्शन है इस वीडियो का और यह इतना काम करेगा इतना काम करेगा कि आपका पशु का जो बच्चेदानी जो उल्टी होकर बाहर निकल रही थी या जो पशु बार बार बाहर फेंक रहा था वह छोटी सी हो जाएगी दो घंटे के अंदर ही वह पूरी पूरी बच्चेदानी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी और फिर पशु प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिखाएगा वह इंजेक्शन है हमारा ऑक्सीटोसिन हालांकि इंडिया में बैन है क्या है कि यह इंडिया में बैन कर रखा है सरकार ने क्योंकि पशु मालिक इसका गलत तरीके से प्रयोग करने लग गए इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया लेकिन फिर भी यह भारत में बहुत ही जगह अभी भी मिल रहा है हमें पता है बहुत सी जगह पर अवेलेबल है आसानी से मिल जाता है तो यह अपने पशु को तीन ईम आप उसको मांस में जरूर लगाए एक बार ब्याने के बाद लगाना ब्याने के पहले बिल्कुल नहीं लगाना है यह आपकी जेर भी गिरा देगा यदि पशु जेर नहीं गिरा रहा तो यह लगा सकते है यह जेर गिराने पर काफी काम करता है तो यह जेर भी गिरा देगा यदि नहीं गिरी इसको लगाने के बाद क्या करेगा पशु की बच्चेदानी में संकुचन पैदा करेगा जिससे पशु की बच्चेदानी छोटी हो जाएगी और वह प्रॉब्लम फिर पशु कभी नहीं दिखाएगा तो आपको तीन ईम यह लगाना है दूसरी तरीके से प्रयोग बिल्कुल नहीं करना और खास करके किसान इसका प्रयोग ना करे केवल डॉक्टरों के काम की चीज है तो आप इसको तीन एम पशु को इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए इसके अलावा आप यहाँ पर एक दर्द सूजन का इंजेक्शन लगा सकते हैं जैसे निमोसाइड पैरासिटामोल पैरसिटामो वेट ताकि पशु जोर लगाना बंद कर दे सत्यु यह ट्रीटमेंट जब आप एक बार किसी भी एनिमल्स को कर देते हैं एक काम और है यदि फिर भी बंद नहीं हो और आप बोलेंगे सर हमने यह सारे लगा दिए लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ एक काम और कर सकते हैं क्योंकि हमारा पशु यहाँ पर प्रेगनेंट बिल्कुल नहीं है तो हम एक काम करेंगे पशु की वजह यहाँ पर हम दो टाके मार देंगे यानी जहाँ से पशु पेशाब करता है वहाँ पर हम दो टाँके मार देंगे पशु को पहले सुन का इंजेक्शन लगा देंगे उसके बाद हम दो टाँके मार देंगे फिर चाहे पशु कितना भी जोर लगा क्योंकि पशु को बहाना था ही नहीं पशु ब्याहने के लिए जोर तो लगा ही जाएगा पशु जोर लगा रहे हैं यहाँ पर उसके प्रॉब्लम्स को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर टाँके लगाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा काम होगा हम प्रेगनेंसी में टाँके लगाते लेकिन पशु तोड़ देता है और वहाँ पर हमें वह भी डर रहता है कि पशु कब भी आएगा हो सकता है हम टाँके उस ट नहीं तोड़ पाएँ या हम उस टाँगों को नहीं खोल पाए तो हम ब्याहने के बाद आप टांके लगाइए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला ना ज़्यादा तो केवल दो टाँके लगा दीजिए और मैं जो बता रहा हूँ साथियों ये ट्रीटमेंट करिए ब्याने के बाद होने वाला प्रोग्रेस आपका हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा जानकारी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना लाइक कमेंट और शेयर करना तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत